एपीसी यूपीएस 1.5 केवीए यानी 1500 वीए। इसका कंट्रोल पैनल और डिस्प्ले यूनिट बिल्कुल इसी तरह काम करता है जिस तरह की अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको 3 केवीए के बारे में बताया। इसके ऊपर भी बिल्कुल उसी किस्म के इंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्कुल सेम 100%। इसका बैक पैनल आप देखें तो आपको यहाँ पर भी सेंसिटिविटी का एक बटन नजर आ रहा है और इसकी भी सेंसिटिविटी हम बिल्कुल लो पे कर देते हैं ताकि इसकी टॉलरेंस बढ़ जाएगी और ये जितना भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा ये बैकअप पर नहीं जाएगा और मुस्तकिल ऑनलाइन रहेगा। ये इसकी RS232 की केबल है जो यहाँ पर लगती है, ये इसकी इनपुट कनेक्टर है, इसी तरह इसमें ये USB पोर्ट है और ये इसकी पावर आउटलेट्स है। इस पर 8 आप पावर कॉर्ड्स लगा सकते हैं लेकिन इसकी पावर को मद्देनजर रखते हो। ये देखें SUA 1500 VA जो कि वॉट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1500 VA और ये तकरीबन 980 वॉट बनाता है जो कि आपके 3 से 4, 6 तक सिस्टम्स तक आसानी से चला सकता है 8 से 10 मिनट के लिए। ये इसकी इनपुट की जैक है जहाँ से हम इस इनपुट देते हैं और ये ऑनलाइन हो जाता है। ये देखें आप ओवरलोड प्रोटेक्टर, ओवरलोड होने की सूरत में ये बाहर आ जाता है और आपका आउटपुट जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता है। अगर इसे कोई आउटपुट लोड के ऊपर कोई शॉर्ट सर्किट या इस तरह का कोई मिसअप नज़र आता है तो ये इसको पुल अप करके और इसकी आउटपुट की जो सप्लाई है उसे डिस्कनेक्ट कर देता है। ये इसका बैटरीज का फ्यूज है, ये अभी मैं निकालूंगा तो आपको एरर लाइट शो करेगा। ये फ्रंट के ऊपर की जी इसकी बैटरी जो है उसके साथ से गड़बड़ निकाले हम, ये हमने इसका निकाल लिया। अब हम इसे ऑन करने जा रहे हैं, हमने इसे ऑन किया। अभी जब ये सेल्फ टेस्ट पर जाएगा देखिएगा आप, ये बैटरी पर आएगा और ये देखें बैटरी पर नहीं आया और इसने बैटरी की फॉल्ट की लाइट इंडिकेट की। अभी हम देखें इसका स्विच लगाएं, और ये देखें आप इसने बैटरी को सेंस किया और ये लाइट खत्म हो गई। और अब जब हम इसे थोड़ी देर चंद सेकंड के लिए दबाएंगे, ये देखें इस वक्त ये बैटरी पर गया है, इसने सेल्फ टेस्ट लिया है, बैटरी 40% चार्ज इंडिकेट किया और ये देखें इस वक्त ये ऑनलाइन है। अब हम इस पर आपको लोड लगाकर दिखाते हैं। इस वक्त लोड की साइड पर कोई लाइट्स नहीं जल रही है। लोड लगाने से पहले हम इसे ऑफ करेंगे और ये इस वक्त इमरान आपको इसके ऊपर लोड लगाएंगे। लग गया लोड, हम ऑन करते हैं। देखिए